ना पासान मृण्मये भावो हि वित्तते देवा तस्मात् भावो हि कारणम्। परमात्मा वस्तु के भूखे नहीं है, भगवान वस्तु के भूखे नहीं है, भगवान क्या है, भाव के भूखे हैं। कोई भक्त निष्कपट हृदय से पुकार के तो देखे, कोई दीन होकर के पुकार के तो देखे। हम नित प्रति गाते हैं हम सत्संगी भाई, निष्कपट हो अरु दीन हो सब कुछ समर्पण करी गुरु की सेव करनी चाहिए। हमारे अंदर में हम बोलते नहीं निष्कपट, लेकिन हम कपट रखते हैं। आज तक बरसों हो गया, 20 वर्ष, 30 वर्ष, 40 वर्ष, 50 वर्ष, 60 वर्ष, 70 वर्ष दीक्षा लिए हुए, भजन भेद लिए हुए, लेकिन हमारे जीवन में परिवर्तन नहीं आया, परमात्मा का दर्शन नहीं हुआ। इसका क्या वजह है, इसका क्या कारण है? सामने तो हम हाथ जोड़ करके करते हैं, हे प्रभु तन मन धन सब तेरा, नहीं तन मन धन सब तेरा, लेकिन मन जानता है कब्जा तो मेरा ही होगा, चाबी मेरे पास में रहेगा। एक बार आलमनगर में मधेपुरा जिला में हमारी कथा हो रही थी, और उस समय उज्जैन का 2004 की बात है, उज्जैन में महाकुंभ होने जा रहा था। बहुत बड़े सेठ हैं, संत मत से जुड़े हुए हैं, महावीर सेठ जी, हमारे परम भगत, बड़ी भक्ति भाव दिखाते थे। तो मैंने उनसे कहा कि आप जो है ना 500 महात्माओं का भोजन करा लीजिए, एक दिन का भंडारा कर देना है, गुरु महाराज की जयंती पड़े, जब भी जाते बाबा सब कुछ आपका ही है, केवल आप आदेश फरमाए। मैंने कहा चलो परीक्षा भी करके देख लेते हैं। और जब उनको कहे तो बाबा क्या बताएं, अभी बहू की जो है ना ऑपरेशन हुआ, उसमें 5 लाख लग गया, बेटा की पढ़ाई में इतना लग गया। मैंने कहा अरे भाई ये तो रोज की बात है, हम गृहस्थों के बीच में रहते हैं, सुनते रहते हैं, तुम ये बताओ ना करोगे या नहीं करोगे, तुम क्या जो है सेवा करने वाले हो, तुम तो कहते हो सब कुछ आपका ही है। तो कहते हैं ये तन मन धन सेवा सब तेरा, पर कब्जा मेरा होगा, अधिकार आपका नहीं है। सब कुछ आपका है पर अधिकार आपका नहीं है। और वही हुआ, हमने कहा बोले विचार करना, बोले ठीक है विचार करना। हमने देखा कि उसके मन में भाव ऐसा नहीं है। और दूसरे दिन अचानक जो है क्या कृपा हुई, उसका ट्रक जो है नदी में गिर गया, उसमें चीनी लोड करके जा रहा था, 32 क्विंटल सारा चीनी। आप समझ गए होंगे क्या हुआ होगा, नदी में सरबत बन गया। अब पुलिस को 60,000 रुपया अलग से देना पड़ा। सुबह आते हैं बोले बाबा जो है ना ट्रक मेरा जो है पलट गया, सब चीनी बह गया, और जो है 60,000 रुपया देना पड़ गया। मैंने कहा भैया तुम ये मत समझना मैं तुम्हें जो श्राप दिया हूँ। अरे धन की तीन गति होती है, दान भोग और नाश। नहीं, नीति शास्त्र कहता है क्या तीन गति धन की होती है। प्रथम गति है सत्कर्म में लग जाए आपकी संपत्ति, इससे बढ़कर के दूसरा लाभ नहीं है। सो धन धन्य प्रथम गति जाकी। भगवान शिव माता पार्वती से कहते हैं पार्वती वह धन धन्य है, कौन सा धन्य, जो सत्कर्म में लग जाए। सो धन धन्य प्रथम गति जाकी। तो कहते हैं बहुत लोग कहते हैं महाराज चाहते थे हम भी दान करें, हम भी चाहते थे कथा करवा लेते, हम भी चाहते हैं कि संतों का भंडारा कर देते, हम भी चाहते हैं कि संतों को वस्त्र अर्पण कर देते, हम भी चाहते हैं कि किसी गरीबों का सेवा कर लेते, लेकिन महाराज चाह करके भी हमसे नहीं हो पाता है। तो शास्त्र ने कहा कि दूसरा काम करो। बोले वाह क्या कहा, प्रथम गति तो है कि जो परमात्मा दान में लग जाए
और दूसरी गति है भोग। अगर दान नहीं कर पाते हो तो इसे जो है भोग करो, मतलब खाओ पियो आनंद लो। यावत जीवित सुखम जीवित, चार वाक्य ने सिद्धांत तो दिया ही है, जब तक जियो सुख से जियो, नहीं हो तो कर्जा करके भी पियो। तो अपने भोग में लगाओ ताकि महाराज वो भी नहीं हो पाता है। का तस्य तृतीया गतिर भवति, वह तीसरी गति को प्राप्त कर जाता है। वह कौन से? बोले नाश को हो जाता है, नाश को प्राप्त हो जाता है। चोर ले जाएंगे, डाका डाला जाएगा, या तो डॉक्टर वैद्य हकीम के यहां जाएगा, वकील लोग खाएंगे, कहीं ना कहीं जाएगा। लेकिन उस धन को प्रथम गति क्या है? का सत्कर्म में लगा लें, इससे बढ़कर के दूसरा कोई लाभ नहीं। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। सो धन धन प्रथम गति जाके, तो केवल मुख से नहीं निष्कपट हो, कपट नहीं गुरु से कपट, मित्र से चोरी क्या हो, निर्धन क्या हो कोड़ी। गुरु से कपट मत करो, निष्कपट हो करके। और दीन, दीन मतलब बिल्कुल गरीब। अपने आप को ये मत समझो कि हम डॉक्टर साहब हैं, इंजीनियर साहब हैं, प्रोफेसर साहब हैं, आश्रम में गए हैं, कैसे झाड़ू लगाएंगे, कैसे पत्थर लगा उठाएंगे। अरे ये बाबा बैरागी के पास जाकर के हम इतने दिन बेकार पड़े, जाकर के पैर छुएंगे, झुकेंगे नहीं। दीनता, सब कुछ जानते हुए भी, सब कुछ रहते हुए भी संत और गुरुजनों के पास जाओ, संत और गुरुजनों के चरणों में जाओ, तो बिल्कुल अज्ञान बन करके जाओ, दीन बन करके, गरीब बन करके जाओ। क्योंकि जब तक कोरा कागज नहीं होगा ना, तब तक उसमें कुछ लिखा नहीं जाएगा। एक हारमोनियम सिखाने वाले मास्टर के पास गए एक विद्यार्थी। उन्होंने कहा गुरुजी हारमोनियम सीखनी है। बोले आ जाना। बोले कैसे मंथली लेते हैं? बोले 300 रुपया महीना। बोले महाराज हम पहले जानते भी हैं, तब क्या लेंगे? बोले तब 1200 रुपया महीना है। बोले क्या मतलब? जब हम नहीं जानते थे तब 300 और जानते हैं तो 1200। बोले बेटा तुम समझ नहीं पाया, मंथली तो हम 300 ही लेंगे सिखाने का। बोले ये 900 जो अधिक ले रहे हैं, बोले 900 रुपया तुम्हें वो भुलाने का ले रहे हैं, कि मैं कुछ भी बताना चाहूंगा तो तुम्हें लगेगा कि मैं तो ये जानता ही हूं, जो कुछ भी बताना चाहूंगा तो लगेगा कि ये जानता हूं, इसलिए 900 रुपया भुलाने का और 300 रुपया सिखाने का। बोलो सच्चिदानंद भगवान। तो संत और गुरुजनों के पास जाओ तो बिल्कुल कोरा कागज बन करके जाओ, निष्कपट भाव से, दीन होकर के। और सब कुछ, तीसरी बात सबसे बड़ी बात है, वह गांठ बांधने योग्य बातें हैं। जो भक्त हैं, जो भक्ति करना चाहते हैं, परमात्मा का साक्षात्कार करना चाहते हैं, ईश्वर का साक्षात्कार करना चाहते हैं, ईश्वर की प्राप्ति करना चाहते हैं, ईश्वर दर्शन करना चाहते हैं, तो उसके लिए तीसरी बात है समर्पण की भावना हो जाए, परमात्मा के प्रति, प्रभु के प्रति समर्पित हो जाए। और आज ये देखिए कर्मा, छोटी सी बालिका है लेकिन समर्पणता है, दीनता है, निष्कपटता है। आज कर्मा के पवित्र भाव को देख करके वह निर्गुण ब्रह्म आज सगुण रूप में प्रकट हो गए और तीन हिस्सा खिचड़ी को पा लिए। और झीनी पर्दा को जो ही उठा करके देखा, देखा तो तीन हिस्सा तो प्रभु ने खिचड़ी पा रहे। कर्मा ने झट से जाकर के हाथ पकड़ लिया, अरे प्रभु तनिक मेरे तरफ भी तो देखिए। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। अरे जब से प्रभु आप भूखे हैं ना, तब से मैं भी भूखी हूँ। भगवान ने इशारा किया कर्मा, प्रसाद मिलेगा, चिंता मत कर, तुम्हें भी प्रसाद मिलेगा।